सो हेलो गाइज, हम आ चुके हैं सिटी, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपको पता ही होगा कि क्या हुआ था। हमारी गाड़ी ठुक गई थी, हम जो रैली में जा रहे थे उसमें हमारी गाड़ी ठुक गई और हम सिटी में आ चुके हैं गाड़ी को ठीक करवाने के लिए। ये जोजो खुशी से पागल हो रखा है। हेलो जोजो, ये देखो। हेलो जोजो, देखो भाई जोजो एकदम पागल हो रखा है भाई खुशी से। क्या चाहिए भाई तेरे को? फोन चाहिए मेरा? फोन ले ले, ये ले फोन ले ले। तो गाइस चलते हैं गाड़ी ठीक करवाने, अब वो रुके नहीं रुक रहा है पता नहीं क्यों। चलो हम लोग बाहर निकल रहे हैं और इसको लग रहा है ये हमें छोड़ के फिर से जा रहे हैं। जोजो कौन? वो देखो वो मान नहीं रहा है। चलो गाड़ी अनलॉक करते हैं और चलते हैं। क्या हो गया? तो गाइस देखो अभी आ रहे हैं बच्चा। जोजो हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो गाइस देखो, चलो चलते हैं अब। जो लोग कहते हैं ना हमारे इधर ट्रैफिक नहीं होता है, तो ये देख लो भाई पूरा ट्रैफिक है आज इधर। अब दिल्ली जितना तो नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि हम इतने बड़े शहर में नहीं रह रहे हैं। और चलो अब आगे दिखाते हैं। तो गाइस आपको दिखाते हैं ये कहां से ठुकी है पूरी। ये देखो, ये इस पर भी क्रैक आ गया, ये पूरा स्क्रैच और ये पूरी लाइट चली गई है। यहाँ पर भी अभी क्रैक पड़ा हुआ है, ये देखो। अब वो कह रहे हैं इसका कवर वगैरह कुछ नहीं आता है, पूरी लाइट ही पड़ेगी। स्पेयर पार्ट वाले से बात करने गए वो। देखो भाई पूरा डेंट डाल दिया, हालत क्या कर दी भाई गाड़ी की देखो। और इसको देखो, इसी ने ठोकी है गाड़ी पीछे से। देखो कैसे सकलें कर रहा है, अब इसकी पिटाई होगी घर पे। अगर ये बहुत ही महंगी पड़ी ना तो इसे पापा बताएंगे कि ये कैसे आती है। और ये इधर वाला ये दिख रहा है, ये भी इसी ने किया है। इस पर तो कुछ जुगाड़ करके काम चला लिया है, लेकिन ये भी इसने किया है, इसकी करामात है ये, ऐसे ड्राइविंग करता है ये। तो गाइस अभी अपने को भाई का एटीएम मिल चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा उसका एटीएम। और अपन जाते हैं अभी पैसे निकालने, क्योंकि जो गाड़ी का जो फ्रंट वाला जो शीशा होता है, जो वाइपर के पीछे वाला होता है, फिर पानी वगैरह जाके साफ हो जाता है, वो मतलब वो निकल चुका है। क्योंकि जब मैंने गाड़ी धुलवाई थी अभी कल परसों में, तो उधर से पानी आ रहा था, मतलब पानी टपक रहा था स्टेयरिंग पे। मैंने देखा ये क्या हो रहा है, फिर अभी जाके दिखाया तो वो छुप चुका था। तो अभी उसको चिपकवाएंगे और बढ़िया से कोई ट्यूब लेने हैं तो उसके लिए ट्यूब वगैरह लेना है, वो चिपकेगा। चलो गाइस अभी एटीएम में आ चुके हैं, यहाँ से पैसे निकालेंगे, क्योंकि वो जो ट्यूब बताया वो महंगा है। तो एटीएम पैसे हमारे पास इतना कैश है नहीं, सारा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, क्योंकि कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है ना। कोरोना ज़्यादा बढ़ने की वजह से अब हम ऑनलाइन ही करते हैं, लेकिन ऑनलाइन उनके पास तो कुछ है नहीं स्कैन वगैरह वाला, तो इसलिए मैं एटीएम से कैश निकाल के उनको। मिरर यहाँ से निकल चुका है और वो जा रहा है मिरर, वो ट्यूब वगैरह लेके आ रहा है जो भी बंदा है, वो जा रहा है मेरा मिरर। पानी आ रहा है मतलब नया या दूसरा लगा? दूसरा लगा हुआ है। दूसरा लगा हुआ है? दूसरा लगा है। टूट गया हुआ कभी? So guys, गाड़ी की हालत देखो कैसी दिख रही है अब। गाइस गाड़ी ठीक होने में तो टाइम लगेगा, तो मुझे ये भैया जाते हुए दिखे मूंगफली वाले, तो मैंने सोचा चलो ना मूंगफली खाते हैं। हम आ गए मूंगफली खाने। अब गाइस ठंड तो जैसे कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, और कल रात बारिश भी हुई थी तगड़ी वाली, और बढ़िया सी ठंड पड़ रही है अब तो। और हम लोग अंदर भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी गंदगी है और मच्छर एकदम फुल काट रहे हैं हम लोग को। तो गाइस ये रही भैया के पास पहुँची, वो जो मिरर है वो चिपकाने वाली।
और ये चिपका रहा है, और ये रहा हमारा मिरर गाड़ी का। गाड़ी एकदम अजीब सी दिख रही है मिरर निकलने के बाद, सुनी सुनी सी। सो गाइस इसका तो काम हो गया, तो बढ़िया से चिपक गया है। और ये बता रहे हैं कि कुछ कवर अवर लाए उसको और टीन सेट में खड़ा कर देना तो ये बढ़िया से चिपक जाएगा। लेकिन ना तो टीन सेट है, मतलब छाव में रखने वाली गाड़ी की, और ना हमारे पास कवर है। बहुत दिक्कत है यार, ये बता रहे बारिश या ओस जो भी आ गई तो इसमें दिक्कत हो जाएगी यार। तो गाइस फाइनली हम घर पे आ गए हैं, और गाड़ी का जो पीछे वाला जो लाइट था वो तो मिला नहीं, तो वो कल मिलेगा और फिर हम कल आपको दिखाएंगे कैसे लगता है। हम घर पे आ चुके हैं और शीशा कंप्लीट हो गया, बाकी जो शीशा था वो तो कंप्लीट हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसने बताया था वो उसमें मत खड़ा करना, लेकिन क्या करें जगह नहीं आते, सारा ओपन है, कल लाइट डलवा लेंगे। चलो चलते हैं घर पे, ऐसे भी हम थक चुके हैं और ये पता नहीं क्या ही कर रहा है इधर आके। ए घर चल, घर इधर क्या रखा है, हैं? हेलो, पता नहीं क्या इधर पकड़ लिया गया है। अभी भी पूरी दम लगा रहा है भागने की। कहाँ जाएगा भाई तू, अब तू कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बता, मुझे छोड़ के जाएगा है, किधर जाएगा अब है? मुझे छोड़ के जाएगा बता, चल अंदर चलो। और उसको ये डर है कि कहीं मेरी पिटाई ना हो जाए। चलो तो गाइस इसी के साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में। चलो ब्लॉग को एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।